हेलो बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों एक्सरसाइज वन वेक्टर थ्री के अपन और क्वेश्चन के सोल्यूशन देखते हैं गिवन फोर नॉन जीरो वैक्टर ए बी सी डी वैक्टर्स ए बी सी आर कोपीनर तीन वैक्टर प्लेन में बट नॉट कोलिनियरियर पेयर बाय पेयर यानी कि कोई भी दो पेयर बाय पेयर कोलिनियर नहीं है ए बी के नहीं है बी सी के नहीं है एंड सो ऑन सी ए के नहीं है वैक्टर डी इज नॉट कोपलीनर विद वैक्टर्स ए बी सी ठीक है ए और बी के बीच का एंगल बी और सी के बीच का एंगल सिक्सटी सिक्सटी है डी और ए के बीच का एंगल अल्फा है डी और बी के बीच का एंगल बीटा है देन डी और सी के बीच का एंगल कॉज इन्वर्स है या फिर ऐसे मान लो कि कॉज ऑफ एंगल बिटवीन डी एन सी इज कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा ऐसा अपने को प्रूव करना है तो बच्चों ऐसा करते जब सब जगह कॉज 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 चल रहा है तो आप क्या करिए सबको यूनिट फैक्टर मान लीजिए सबको जब भी एंगल निकालना है तो अपन डी कैप और ए कैप के बीच में जो एंगल निकालेंगे मैं लिख देता हूँ है ना बच्चों कैप एंगल डी कैप इस सेम एस ए वेक्टर एंगल डी वेक्टर ठीक है ना ए और डी के बीच का जो एंगल है आगे चले तो बच्चों ए और बी और बी और, और सी एक प्लेन में और सिक्सटी एंगल है तो ए वेक्टर मान लो इस तरफ है और बच्चों बी वेक्टर ये इस तरफ है ना इनके बीच का एंगल कितना है सिक्सटी है ये एक ही प्लेन में सी भी इसी प्लेन में और सी का बी के साथ एंगल सिक्सटी है तो बच्चों इसी प्लेन में अगर आपको जाना है और एंगल बी के साथ सिक्सटी बनाना है तो लाजमी सी बात है इधर होगा क्या बी के साथ सिक्सटी इस तरफ हो सकता है क्या सी वैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि फिर ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर आपका ये हो जाएगा सी वैक्टर और फिर ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी आ जाएगा इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा कि सी वैक्टर आपका इस तरह से हो जाएगा और ट्राइंगल इक्विटल बन रहा होगा और ए प्लस सी कितना जाएगा आपका बी आ जाएगा इस बात को मैं लिख देता हूँ इक्वलिटल ट्राइ डायरेक्शन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी सॉरी मैंने गलत दिख दिया ए कैप प्लस बी कैप बच्चों उनको टोपी पहनानी पड़ेगी ए कैप बच्चों A A है 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 ना ना ये फिर गलत लिख दिस एंड दिस इज इक्वल इन दोनों का रिजल्टेंट ये ठीक है बच्चों ना ये बहुत सिंपल है अगर एक प्लेन में है वेक्टर्स और एंगल आपस में 60 है सभी यूनिट वेक्टर है मान लो तो लाजमी सी बात है इक्वलिटल ट्राइंगल बनेगा ही बनेगा और कौन सा किसके किस तरफ होगा वो भी आप देख लीजिए ए इधर है बी उसके साथ सिक्सटी है और सी अगर ए के साथ वन ट्वेंटी तो सी को पैरलिक्स में शिफ्ट किया ये सी कैप हो गया आपका आराम से दिख रहा है दिस 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 प्लस इज इक्वल टू अच्छा अब वो इसने ये, ये बात अपन ने यूज कर ली डी और ए के बीच में तो बच्चों इस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ डी कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू कॉज अल्फा बच्चों इस रिलेशन को लिख देते हैं डी कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू कॉज बीटा समझ में आ रहा है क्योंकि मॉड डी कैप मॉड बी कैप कितना हो जाएगा वन बन आ जाएगा वह जो टू प्रूव है ना अब ये सब कंडीशन अपने को दे रखी है और अपने को प्रूव करना है कि डी कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कुछ नहीं करना बस सी कैप की जगह यहाँ से उठा के बी कैप माइनस ए कैप रख दो ठीक है ना मैंने क्या क्या मैंने ये ऑब्जर्व किया कि डी कैप डॉट सी कैप क्या है बी कैप माइनस ए कैप है है ना बी कैप माइनस ए कैप है तो डी कैप डॉट बी कैप माइनस ए कैप कितना हो जाएगा यहाँ से देखो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आता हो दिख गया दिस डॉट दिस माइनस दिस डॉट दिस हैंड्स प्रूफ बच्चो है ना ठीक है हो गया प्रूफ ओके okay, बच्चों बाय बाय